फेमस टीवी शो भाभी जी घर पर हैं फेम सौम्या टंडन रायपुर पहुंची थी। अपने निजी काम की वजह सौम्या आई हुई थी। इस दौरान उन्होंने दैनिक भास्कर से बातचीत की। सौम्या ने छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी के सलाहकार गौरव द्विवेदी से भी मुलाकात की। सौम्या ने छत्तीसगढ़ में बनी नई फिल्म उद्योग नीति को भी सराहा। कहा कि इससे प्रदेश के खूबसूरत इलाकों में बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पर काम बढ़ेगा, जो स्थानीय कलाकारों के लिए भी बेहतर होगा। भाभी जी शो के कलाकार दीपेश भान की हाल ही में हार्ट अटैक से मौत के बाद सौम्या ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करने का एक अभियान भी चलाया। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जब कभी भी हमें किसी इंसान की मदद का मौका मिले तो इसे गंवाना नहीं चाहिए, यही हमें बेहतर बनाता है। मैंने भी बस वही किया। सौम्या ने बताया कि शो में मलखाप का कैरेक्टर प्ले करने वाले दीपेश की 2 महीने पहले मौत हो गई थी। उनके परिवार की माली हालत खराब हुई। दीपेश के इनकम से ही घर चलता था। दीपेश सेट पर सौम्या के क्लोज थे। उनके साथ अक्सर पर्सनल लाइफ की बातें, लोन, घर की स्थिति पर चर्चा होती थी। मौत के बाद जब दीपेश के परिवार पर आर्थिक संकट टूटा तो सौम्या ये देख रह ना सकी।